नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे जो कि आप में से काफी लोगों ने मुझसे पूछा है। काफी सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी जान चुके होंगे बिकॉज इट हैज बीन कॉमनली टॉक्ड अबाउट इन द मीडिया ऑफ दिस कंट्री। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुल बार्स के बैन के बारे में। रिसेंटली भारतीय सरकार ने बुल बार्स, जिनको की पॉपुलरली क्रैश गार्ड या स्क्रैच गार्ड भी कहा जाता है, उनको बैन करने का आदेश पास किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि वो टफ से टफ एक्शन ले ताकि बुल बार्स का जो यूज है वो एकदम खत्म हो जाए इंडिया के अंदर। आइए जान लेते हैं पहले बुल बार्स होते क्या है। दोस्तों, बुल बार्स ये स्टील के या आयरन के सॉलिड प्रोटेक्टर्स कह सकते हैं उनको, जो गाड़ियों के आगे और पीछे लगे हुए होते हैं ताकि गाड़ियों के कोई स्क्रैच ना लगे। छोटी मोटी कोई टक्कर से, टू व्हीलर से या किसी पेडेस्ट्रियन से अगर कोई टक्कर होती है तो गाड़ी को कम से कम नुकसान हो, इसलिए लोग इनको लगाते हैं। इनका बहुत बड़ा यूज ये भी है कि इनको लगाने के बाद काफी सारे लोगों को गाड़ियां बड़ी ही अट्रैक्टिव भी लगती है। लोगों को लगता है गाड़ी और ज्यादा मस्कुलाइन और ज्यादा स्ट्रांग लगने लगी है आफ्टर द यूज ऑफ बुल बार्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी आदेश पारित किया है। यह आदेश 17 दिसंबर 2017 को पास किया गया था और 1 जनवरी से सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर रही हैं। अब दोस्तों, हम दो चीजों की बात करेंगे। पहला तो द फाइन रिलेटेड टू दिस ऑफेंस, इफ द गार्ड्स आर स्टिल इन यूज उसके ऊपर क्या फाइन लगेगा। सेकेंड हम बात करेंगे कि इनको हटाने के पीछे गवर्नमेंट का लॉजिक क्या था। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट का लॉजिक। गवर्नमेंट कहती है कि इन बार्स को हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि जब ये बार्स गाड़ी पे लगी हुई होती है तो ये सबसे पहला खतरा तो पहुंचाती है पेडेस्ट्रियंस को या फिर टू व्हीलर्स या फिर साइकिल पे चलने वाले लोगों को। उनसे अगर टक्कर होती है तो उनको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। साथ ही में एक पक्ष ये भी है कि अगर बुल बार्स कार में लगे हुए होते हैं तो गाड़ी के कुछ सेफ्टी सिस्टम्स जैसे कि एयरबैग्स उतनी जल्दी या फिर डिप्लॉय हो ही नहीं पाते क्योंकि एयरबैग्स वर्क करते हैं शॉक या वाइब्रेशंस पे जो सेंसर तक पहुंचते हैं उसके बाद। लेकिन जब बुल बार्स लगे हुए होते हैं तो इनका ये सेंसेशन रुक जाता है, ये वाइब्रेशंस डिटेक्ट नहीं कर पाती कार और बहुत सारी कंडीशंस में फेटल एक्सीडेंट होने के बावजूद ये एयरबैग्स नहीं खुल पाते हैं। लॉजिक नंबर 2 वाज रिगार्डिंग द क्रम्पल जोन। दोस्तों, गाड़ी जब भी सामने से टकराती है तो क्रम्पल करती है, यानी कि सीधे सीधे इंपैक्ट आपकी छाती पे, ड्राइवर की छाती पे या फिर को पैसेंजर की छाती पे नहीं आता। वो गाड़ी आगे से फोल्ड करती है और सामने का इंपैक्ट धीरे धीरे कम कर देती है। अगर गाड़ी के अंदर बुल बार्स लगे होंगे तो ये इंपैक्ट सीधा ड्राइवर के पास पास ऑन हो जाएगा। मोर इंपॉर्टेंटली, ये बुल बार्स गाड़ी के मेन चेची के ऊपर, मेन जो बेस है उसके ऊपर लगी हुई होती है, तो साथ ही में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। अगर आप खुद की गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो हाँ, गाड़ी का स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता है अगर ये बुल बार्स पे जोर से टक्कर हो। बट प्राइमरी फेस या गवर्नमेंट का ये लॉजिक है कि अगर ये गाड़ी से टक्कर, अगर उसमें बार्स लगे हुए हैं तो पहले तो जो ड्राइवर है उसको सेफ्टी को नुकसान है क्योंकि एयरबैग्स नहीं खुलेंगे, क्रम्पल जोन उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे। सेकेंडली, अगर इंडिया की बात करें तो डेटा ये कहता है कि जो भी रोड एक्सीडेंट में मेजर लोग मारे जाते हैं उनमें मेजॉरिटी टू व्हीलर्स या पेडेस्ट्रियंस ही होते हैं, जो कि पैदल चल रहे हैं या फिर टू व्हीलर्स पे चल रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, उन लोगों की जान को ज्यादा क्षति होती है। तो इसको एक अनसेफ प्रैक्टिस मानते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको अब से अबॉलिश करेंगे, इसको हटा दिया जाएगा। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी इसको हटा चुके हैं, ये प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। मैं इसको एक बहुत ही अच्छा कदम कहूंगा गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि ज्यादातर बड़े बड़े नेता या फिर इन्फ्लुएंशियल लोग अपनी बड़ी बड़ी एसयूवीज पे इन गार्ड्स को यूज करते हैं, तो पहला तो रेजिस्टेंस वहां से ही आएगा। उसके बावजूद अगर ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करा देती है तो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, इट्स अ ग्रेट स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब बात करते हैं इसके ऊपर होने वाली पेनल्टी के बारे में। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ऑफेंस करते हैं, ये आपका गार्ड आपकी गाड़ी पर लगा पाया जाता है, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट इसको 1 जनवरी 2018 से चेक करना या फिर इसके अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर रही है। तो अगर 1 जनवरी के बाद से आपकी गाड़ी पे गार्ड पाया जाता है तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को ₹1,000 का जुर्माना होगा। अगर आप इसको फिर भी नहीं हटाते हैं, गाड़ी पे लगा रहता है, तो सेकंड टाइम ऑफेंडर्स को ₹2,000 तक का जुर्माना इस केस में देना पड़ेगा। अगर कोई सप्लाई करने वाला नोइंगली ये गार्ड्स अभी भी लगा रहा है, गाड़ी पे असेंबल करके फिट कर रहा है, तो उनके लिए जुर्माना ₹5,000 है।
तो दोस्तों दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट द यूज ऑफ बुलगार्ड्स एंड द बैन रिलेटेड टू इट। आने वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रैफिक रूल्स के बारे में और उनसे रिलेटेड जो चालान पुलिस वाला हमारे काट सकता है उनके जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं उनके बारे में, कितने रुपए के और कौन कौन से किस किस प्रकार के चालान पुलिस वाले काट सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।